आप सभी को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये वीडियो है नहाए खाए का। यहाँ पे सुबह सुबह आ गई थी मैं किचन में नहाने वगैरह नहाने के बाद और बना रही थी पुए। तो इसकी वीडियो जो है मैंने पहले शेयर की हुई है, इसलिए इसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको फुल वीडियो वॉच करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसकी फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने मैदे और चीनी का ये घोल बनाया था नॉर्मल सा, और उससे पुए बना रही हूँ। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो रहे हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को। तो इसका प्रोसेस लंबा है, ये थोड़ी देर तक चलेगा। तो इसी के साथ मैं लेके आ गई हूँ किचन में लौकी। तो आज इसकी सब्जी नहीं, बनेगा इसका हलवा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो हमने ले लिया है लौकी। लौकी को सबसे पहले हम पील कर लेंगे, यानी कि छील लेंगे। चाहे आप चाकू से छील लें या फिर छीलने से, यानी कि पीलर से। और इसके आगे और पीछे के पार्ट को अच्छे से कट कर देंगे, दोनों साइड के पार्ट को। और इसी बीच में ना हम अपने पुए को भी चेक करते रहेंगे। पुआ थोड़ा धीरे धीरे पकता है, तो इसका प्रोसेस अभी चलता रहेगा। तब तक हम अपने लौकी को धुल के अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ लेंगे। ये प्रोसेस आप पहले से भी करके रख सकते हैं। और इसे हमें ना छोटे छोटे भागों में कट कर लेना है, ताकि जब हम ग्रेट करें ना तो हमें परेशानी ना हो, यानी कि दिक्कत ना हो। और इसे हमें ग्रेट करना है, तो यहाँ पे मैं कद्दूकस में इसे ग्रेट कर ली हूँ, यानी कि कद्दूकस कर रही हूँ। इसे लंबे भाग से करना है, ताकि बीच का जो पार्ट हो ना, बीच का जो गुद्दा हो, वो हमें नहीं करना है, सिर्फ साइड साइड के पार्ट्स को करना है कद्दूकस। तो यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा पार्ट बचे हैं ना, इसके आप सब्जी में भी इसे डाल सकते हैं, या फिर इसकी जूस बना सकते हैं, या आप इसे किसी भी चीज़ में जो भी मतलब यूज़ करना चाहिए आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम इसे हलवे में डालेंगे ना, तो इसके बीच का जो बीज होगा ना, वो थोड़ा सा क्रंची मतलब उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने ग्रेट कर लिया है अपने लौकी को, और इसे निचोड़ लेंगे अच्छे से, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये जल्दी से फ्राई हो जाए, पानी ज़्यादा ना छोड़े। तो उस जूस को भी आप पी सकते हैं नमक डाल के। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ग्रेट हो गया है। दूसरी साइड मैंने ना गैस को ऑन करके चढ़ा दी है दूध। ये लगभग पौने एक लीटर 700 से 750 ml दूध है। इसे हमें बॉईल करके बिल्कुल आधा का भी आधा करना है, क्योंकि हम यहाँ पे मावा या फिर मिल्क पाउडर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें दूध को ही गाढ़ा करना है। और आप देख रहे होंगे अर्पित को इतना पसंद है कि वो फिर से लेके गया पुआ। और यहीं पे इस साइड मैंने गैस को ऑन करके चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म होते ही मैंने डाला है इसमें घी। ये घी मार्केट का है, मेल्ट किया है मैंने पहले से, इसीलिए थोड़ा सा कलर इसका वाइट लग रहा है, क्योंकि अमनिया कहते हैं ना, वो घी मेरे पास नहीं था। अमनिया यानी कि नमक में जो ना सटा हो या फिर यूज़ नहीं किया हो। तो यहाँ पे जैसे ही घी हल्का गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट, उसमें से धुआं नहीं निकालना, जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा उसमें डालेंगे हम लौकी को, कद्दूकस कस किए हुए लौकी को। उधर हमारे दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया था, तो मैंने उसका फ्लेम लो कर दिया है। तो बीच में हम मीडियम लो हाई करते हुए हमें दूध को ना गाढ़ा करना है, यानी कि क्वांटिटी उसकी कम करनी है। जब तक हमारा ये फ्राई हो रहा है, तब तक दूध की भी क्वांटिटी कम हो जानी चाहिए, ताकि फटाफट से हमारा ये हलवा बनके तैयार हो सके। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इसे भूना है, और आप देख रहे होंगे इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसी के साथ इसे भूनते हुए हम अपने दूध को भी चलाते रहेंगे, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे ना, तो नीचे से जो दूध है हमारा चिपक सकता है। और आप देख रहे हो कि दूध की जो क्वांटिटी है बिल्कुल कम हो चुकी है, और दूध हमारा तैयार हो चुका है इसमें डालने के लिए। तो गैस को करेंगे ऑफ, और 5 से 6 मिनट टोटल मैंने अभी फ़िलहाल भूना है इसे, और डायरेक्ट डाल दिया है दूध को इसमें। तो बहुत लोगों की शिकायत होती है ना कि दूध डालते ही लौकी में फट जाता है, जब भी हम हलवा बनाते हैं। तो आप इस तरह से दूध को बॉयल करके गर्म, मतलब दूध भी बॉयल होना चाहिए और इधर फ्राई भी कर रहे हैं, यानी कि भून भी रहे हो लौकी को, उसके बाद दूध डाले और लगातार चलाते रहे। तो यहाँ पे दूध डालने के बाद मैंने फ्लेम हाई कर दिया था, और लगातार लगभग 1.5 से 2 मिनट तक चलाया था, और उसके बाद लो फ्लेम करके मैंने सोचा चलो पका लेती हूँ अपने भुट्टे को। गांव में इसे ओढ़ा कहते हैं, और हमारे यहाँ इसे खाने का रिवाज है। आज के दिन हम लोग नमक नहीं खाते हैं, सिर्फ मीठा मीठा खाते हैं। यहाँ पे ये 50 रुपये केजी मिला है छिलके के साथ। आपके यहाँ क्या रेट है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे उसे पकाते हुए मैं हलवे को भी चला रही हूँ, ताकि ये नीचे से चिपक ना जाए। कढ़ाई पतली है और छोटी है, तो इसे लगातार चलाना पड़ता है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, क्योंकि अब ये बिल्कुल भुनने के प्रोसेस में है, और अर्पित फिर से पुआ लेके गया।
और यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो ये लौकी है वो अच्छे से भुन चुका है, तो उसमें डाल रही हूँ मैं चीनी। चीनी वजन में लगभग 150 ग्राम है और लौकी जो हमने ग्रेट किया था वो लौकी लगभग वजन में 400 ग्राम था, तो उसके बीच के गूदे हमने निकाल लिए थे, तो लगभग वो भी 150 से 125 ग्राम होगा वजन में हमारी लौकी जो हमने ग्रेट की थी। तो लगभग बराबर चीनी डाली है हमने और इसे लगातार हम फ्राई कर लेंगे। चीनी डालने के बाद आप चीनी वाला प्रोसेस ना डायरेक्ट दूध डालने के बाद भी कर सकते हैं। और ये भी डाल रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट, आप ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना नहीं भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 काजू के दाने, 2 बादाम और 4-5 किशमिश डाला है और इतना लाजवाब बना था कि जिसने खाया ना सबने ये बोला कि इतना कम क्यों बनाया। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए लगभग हो गए थे 5 से 6 मिनट चीनी डालने के बाद भी, क्योंकि क्वांटिटी कम है तो जल्दी भून रही है। और आप देख रहे होंगे इसने घी छोड़ दिया है, तो हमारा जो हलवा है ना वो बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, परफेक्ट बन चुका है। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ। इसी के साथ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो यहाँ पर मैंने अपने नहाए खाए की थाली लगा ली है, रखा है पुआ, लौकी का हलवा और उसी के साथ ओढ़ा यानी कि भुट्टा। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।